सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि तुम ऑडियो एडिट तुम कैसे कर सकते हो, कि प्रोफेशनल तुम ऑडियो एडिट तुम कैसे कर सकते हो। अपना जो ऑडियो होती है वीडियो की तरफ, वो ऑडियो तुम चेंज कैसे कर सकते हो। सो गाइस, मेरा नाम है सिराजुल चौधरी और आप देख रहे हो टेक्निकल सिराजुल। तो चले हम बात करते हैं। सो गाइस, आपको ऑडियो एडिट करने के लिए जस्ट दोनों एप्लीकेशन की ज़रूरत है, ये दोनों एप्लीकेशन की, ठीक है। इतने एप्लीकेशन देख के मत घबरो यार, प्रोफेशनल एडिट करने के लिए आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन प्रोफेशनल है। और इस ऑडियो की एडिट करने के बाद आपको लगेगा स्काइन मास्टर, जो कि आपने वीडियो के अंदर इस ऑडियो को सेट करनी है। तो मैं पहले एम एस स्टूडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि हमारा वीडियो से ऑडियो कन्वर्ट करेगा इस एप्लीकेशन को। ये तीन एप्लीकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तुम जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। तो मैं पहले एम एस स्टूडियो को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तुम देख सकते हो, ऑडियो प्लेयर, ऑडियो कटर, ऑडियो मिक्सर, ऑडियो मैनेजर वगैरह वगैरह। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है वीडियो टू ऑडियो, यानी वीडियो से ऑडियो को निकालना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और एक वीडियो चूज़ कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के इस ऑडियो के अंदर मैं काम करूँगा और आपको दिखाऊँगा। गाइस, आज हम बात करेंगे इसको। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एक्स्ट्रा ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे नीचे तुम इस ऑडियो को कन्वर्ट कर लोगे, सेव कर दोगे, थोड़ी देर में सेव हो जाएगा। यहाँ पे सेव होने के बाद इस एप्लीकेशन से तुम निकल जाओगे। निकल जाने के बाद यहाँ पे इस एप्लीकेशन को सेट करना है लेक्सिस ऑडियो को। इस एप्लीकेशन को पहले ओपन कर लोगे, मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो जो एक ओपन की ऑप्शन है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो ऑडियो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा लास्ट जो ऑडियो है यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये वाला है, ये वाला जो ऑडियो है हमारा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओपन, ओपन करने के बाद हमारा जो ऑडियो है ये सिलेक्ट हो चुका है, थोड़ा सुन सकते हो। गाइस, आज हम बात करेंगे ऑडियो को सेट करने के बाद, अगर आप वीडियो ऑडियो चला लोगे तो यहाँ पे तुम क्लिक करके उस ऑडियो को पहले से कर दोगे। यहाँ पे करने के बाद सो गाइस, ऑडियो एडिट करने के लिए आपको फर्स्ट यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो इफेक्ट, ठीक है, इसके ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है यहाँ पे है ए वाला, इक्वलाइजर एंड एम्पलीयर, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुम ऑडियो सुन सुन के यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तुम पहले ऑडियो सुन लो पहले। गाइस, आज हम बात करेंगे, तो मैं थोड़ा एडिट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ यहाँ पे इसको। गाइस, आज हम बात करेंगे कि तुम प्रोफेशनल ऑडियो एडिट तुम कैसे कर सकते हो, यानी अपना जो वॉइस होती है अपना वीडियो पे, वो वीडियो को। गाइस, आज हम बात करेंगे कि तुम प्रोफेशनल ऑडियो एडिट तुम कैसे कर सकते हो, यानी अपना जो वॉइस होती है अपना वीडियो पे, वो वीडियो पर जो वॉइस। गाइस, आज हम बात करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे इसका काम हो गया है, इसके बाद हम इसको कर देंगे अप्लाई, ठीक है। मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दूँ, थोड़ी देर में लोड हो जाएगा, लोड हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर फिर से थ्री डॉट पे जाता हूँ। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे इफेक्ट, इफेक्ट के बाद यहाँ पे और एक सेटिंग है जो भी है, यहाँ पे तुम देख सकते हो नॉइस रिडक्शन। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इस नॉइस रिडक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे खोल टू सेटिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो मैं वीडियो को थोड़ा प्ले करता हूँ पहले। गाइस, आज हम बात करेंगे कि तुम प्रोफेशनल ऑडियो एडिट तुम कैसे कर सकते हो, यानी अपना जो वॉइस होती है अपना वीडियो पे। गाइस, आज हम बात करेंगे कि तुम प्रोफेशनल ऑडियो एडिट तुम। सो गाइस, ये नॉइस रिडक्शन इसका मतलब है, अगर तुम्हारा वॉइस के पीछे जो भी, यानी जो भी अपना पंखा होती है, फैन होती है, उसका जो आवाज़ है, यहाँ पे तुम इस आवाज़, पंखा के आवाज़ को, फैन के आवाज़ को तुम निकाल सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे तुम इसको क्लिक करोगे। तो मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ, अपना जो ऑडियो एडिट करोगे थोड़ी समझ करके करोगे, जो ऑडियो है बहुत इंटरेस्टिंग ऑडियो एडिट होगी। तो मैं इसको पहले अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस, अप्लाई करने के बाद देख सकते हो, तो ऑलरेडी हमें वीडियो एडिट हो चुका है। होने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो एक जो सेव वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे और एक बार सेव के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद डन, डन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, तो ऑडियो जो है सेव हो रही है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा काम हो गया,
अब हमका काम है, ऑडियो कंप्लीट हो चुका है एडिट, इसके बाद हमारा काम है काइन मास्टर, जो कि वीडियो के अंदर ऑडियो को घुसाना है। तो मैं पहले काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे, एमटी प्रोजेक्ट सिलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो वीडियो मीडिया ब्राउजर है इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करके जो हमारा वीडियो से ऑडियो निकाली है उस वीडियो के यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं इस वीडियो के अंदर एड कर लेता हूँ, जो कि इस वीडियो से ऑडियो कटा हुआ देख सकते हो। गाइस आज हम बात करेंगे कि तुम प्रोफेशनल ऑडियो एडिट तुम कैसे। सो गाइस इस वीडियो को जो साउंड है, इस वीडियो का साउंड को हमें ऑफ करना है, ठीक है। तो मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो साउंड का ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो साउंड का जो ऑप्शन है यहाँ पे इसको मैं ऑफ कर दूँगा, ऑफ हो चुका है। यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारा जो वीडियो का जो ऑडियो है ऑलरेडी ऑफ हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, उस ऑडियो को जो ऑडियो मैंने एडिट किया हूँ उस ऑडियो को यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे आने के बाद काइन मास्टर का तुम ऑडियो ब्राउज़र पे जाओगे, जाने के बाद यहाँ पे फोल्डर्स। सो गाइस फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो जो मैंने वीडियो एडिट किया है वो 18 सेकंड किया है। तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करके मैं वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। हो गया हमारा ऐड, हम देखते हैं वीडियो चला के। गाइस आज हम बात करेंगे कि तुम प्रोफेशनल ऑडियो एडिट तुम कैसे कर सकते हो, यानी आप। सो गाइस यहाँ पे होने के बाद हमारा जो ऑडियो है यहाँ पे एडिट हो चुका है। पहले वाला ऑडियो को मैं बैन कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है सेव की ऑप्शन, यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो मैं इस शेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे तुम हाई क्वालिटी, फुल HD, हाई डेफिनेशन, मीडियम क्वालिटी तुम यहाँ पे सेव कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आएगी तो प्लीज़ एक प्यार सा लाइक कर दोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज की वीडियो यही तक है, फिर वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।